मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पे होने वाली है ऑक्शन से पहले के एक्शन की चर्चा। मयंक अग्रवाल में क्या है खास, उस पे आज संजय जी भी डालेंगे नजर। ऋतु फोगाट ने किया आज बड़ा कमाल और इंडियन बॉक्सिंग लीग भैया यहाँ पे भी होने वाला है बड़ा धमाल। देखिए इससे पहले रोल बम्पर कमाल का शॉट अद्भुत, इसके आगे सारे पेन। ताली से शुरू हैशटैग आकाशवाणी। वैसे मैच जल्दी खत्म हो जाए ना, ऐसा होता नहीं है, इसलिए फिर दोस्त यारों के साथ बात करने का मौका मिलता। और थैंक यू वेरी मच संजय जी, अभी वैसे भारतीय टीम के साथ 5 साल तक जुड़े तो मेरे विचार में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब भारतीय जो बल्लेबाजी आपको निखरती हुई नजर आ रही है ना कि बड़ा अच्छा बैटिंग करते हैं, बहुत सारा श्रेय इस इंसान को जाता है। बोलेंगे नहीं, बड़े हम्बल मॉडेस्ट आदमी है लेकिन ज्ञानी आदमी है। तो आज बात करते हैं वैसे तो थैंक यू पहले की जो इंडियन क्रिकेट के लिए आपने किया, 5 साल लगातार खेले थे उससे पहले अच्छा भी, तो थैंक यू संजय एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। अपन बात करते हैं एमआई की पहले, मुंबई इंडियंस चैंपियंस है। आपको लगता है कि मतलब कल आईपीएल शुरू कराते वो तो ठीक से लग रहा है मुझे तो? सबसे बेहतर प्लानिंग करते हैं, ऐसी टीम है मतलब जो उनकी जो टीम के पीछे टीम है बहुत ज्यादा काम करती है। मैंने करीब से देखा है कि जिस तरह से राहुल सांगवी जो खिलाड़ियों की खोज में रहते हैं, जॉन राइट खिलाड़ियों की खोज में रहते हैं, जाकर नया नया मतलब कहीं ना कहीं टैलेंट जो खोज के निकला है। मयंक मार्कंडे वहाँ खेले, इंडिया के लिए खेले, अगर आप राहुल चहर की बात करो वो जाके वहाँ से खेले, निकले यहाँ खेले, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आप मतलब वो लिस्ट बहुत लंबी है। और कहीं ना कहीं एक होमवर्क जो करते हैं, एक स्टेबिलिटी है टीम प्रबंधन में, वही कोच, वही कप्तान, वही सारी जो बॉलिंग कोचेस है, रॉबिन सिंह वहां पर 8-9-10 सालों से है, तो मेरे ख्याल से जो कंटिन्यूटी दिखाई है उसी का एक खासा प्रभाव है कि वो सबसे ज्यादा सफल टीम बन चुकी है। और मैं आपसे सहमत हूँ, कल आईपीएल शुरू करा दीजिए, उनको ऑक्शन की कोई नहीं जरूरत, क्योंकि 13 करोड़ अभी भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने दिल्ली से लिया ट्रेंट बोल्ट को और उन्होंने शर्फन रदरफोर्ड को लिया दिल्ली से ही, तो दिल्ली इज लॉस इज मुंबई इज गेन, वैसे होता है बहुत बार ऐसा। और मेरे ख्याल से सिर्फ जो मेरा एक छोटी सी टिप्पणी है कि एक आधा कोई स्पिनर और मिल जाए तो मतलब बैकअप चाहिए, तो एक और बैकअप मिल जाए, वरना उनको और कुछ नहीं चाहिए। बहुत जाने दिया उन्होंने खिलाड़ियों को, उन्होंने जैसे बैरनडॉफ को जाने दिया, उन्होंने उनके पास एक ग्रॉन हेनरिक्स उनको जाने दिया उन्होंने, लेकिन खास बात ये भी कि मयंक को जाने दिया, तो अब सिर्फ राहुल चार, कृणाल पंड्या, अनुकूल रॉय और जयंत यादव हैं, एक आधा बैकअप मिल जाए तो काम चल जाए, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली फाइन। उनसे तो लोग मांगेंगे सर थोड़ा सा कुछ कर दो प्लीज। सो मुंबई इंडियंस लुकिंग एज गुड एज गोल्ड जैसे हमेशा होते हैं, पर दूसरी एक टीम है उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, नहीं मतलब मुंबई के पास वैसे होते हैं बट इस समय सबसे ज्यादा पैसे हैं वो किंग्स इलेवन पंजाब के पास है, और 42 करोड़ का बजट इनके पास बचा। और संजय इन्होंने बहुत लोगों को छोड़ दिया, इन्होंने एंड्रू टाय को छोड़ा, वरुण चक्रवर्ती को छोड़ा, इन्होंने सैम करन को छोड़ा, इन्होंने डेविड मिलर को छोड़ा, इनको अब बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अरे इन्होंने मोसेस ऑनलीक्स को भी छोड़ दिया, मतलब पैसे खाली तो बहुत कर लिए। अश्विन पहले जा चुके थे, उसके बदले कृष्णप्पा गौतम ऐसे आए हैं, अंकित राजपूत भी आए हैं, अंकित राजपूत छोड़ दिया इन्होंने, खैर इनके पास कृष्णप्पा गौतम आया, दिल्ली से इनको मिले थे सुजय, जहां पे बेंगलोर के बहुत सारे इनके पास अब खिलाड़ी इकट्ठे हो चुके हैं। कोई तो ये भी कह रहा है कि किंग्स इलेवन बेंगलोर है पंजाब नहीं है, बट देन इनको क्या क्या चाहिए संजय, क्योंकि इनकी शॉपिंग लिस्ट आती है। सबसे अगर उन्होंने अच्छा फैसला लिया है वो बनाया प्रशिक्षक अनिल कुंबले को, क्योंकि जितना अनुभव उनके पास है और जिस तरह से वो रणनीति बनाते हैं तो मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन होंगे या पिक्स होंगे ऑक्शन टेबल पे वो बहुत ही सुलझे हुए और सोचे समझे हुए पिक्स होंगे। कहीं ना कहीं आपसे सहमत हूँ कि जो बल्लेबाज है आपके पास किंग्स के पास की राहुल है, मयंक अग्रवाल है, करुण नायर है, क्रिस गेल बल्लेबाजी करेंगे, निकलस पूरन है आपके पास, तो नंबर 5 आपके सॉर्टेड है। अगर आपको कोई अगर खिलाड़ी चाहिए तो नंबर 6 पे चाहिए एक ओवरसीज ऑलराउंडर, और ओवरसीज ऑलराउंडर में उस कैटेगरी में फिट बैठता है क्रिस मॉरिस, क्योंकि मोहाली का जो विकेट है, मोहाली का जो ग्राउंड है वो साइड में बहुत ज्यादा लंबा है, कभी कभी तो 80-85 गज की बाउंड्री भी मिल जाती है, वहां पर आपको चाहिए एक ऊंचा तेज गेंदबाज जो हिट अटैक करे, स्लोअर बाउंसर्स करे, तो उनके ऊपर काफी नजर होगी, क्योंकि उनके पास सैम करन थे, मोजेस हेनरिक्स भी थे, मगर वो जो थे वो छोटे कद के फास्ट बॉलर्स थे, एंड्रयू टाय भी थे मगर उनके पास तेज गति वाली गेंदें नहीं थी, मैक्सिमम जो विविधता थी उनमें वो धीमी गेंदों की विविधता थी, तो
कहीं ना कहीं क्रिस मॉरिस एक अहम खिलाड़ी बन जाते हैं और एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जरूर ढूंढना होगा उन्हें। स्पिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो मैनेज कर लेंगे, सुचित है और गौतम है, मुजीब है, अश्विन है, मुजीब है, तो स्पिन सॉर्टेड है। भारतीय तेज गेंदबाज भी उनके पास है, मोहम्मद शामी बेहतरीन फॉर्म में है, तो ओवरसीज फास्ट बॉलर एंड ओवरसीज ऑलराउंडर अगर वो लेते हैं और कहीं ना कहीं एक बैकअप रखते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से वो भी टीम एक मजबूत टीम बन सकती है। देखिए 42 करोड़ इनके पास है और मेरा ये मानना है कि ये मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस के पीछे भागेंगे क्योंकि इनके पास इतने सारे पैसे हैं। और जहां इन्होंने बात की वो एक ऑलराउंडर की, सैम करन इनके लिए अच्छे थे, हो सकता है इनको ये वापस भी खरीद लेंगे, थोड़ा सस्ते मिल जाए, हैट्रिक भी ली थी पिछली बार, रन भी बनाए थे, लेकिन महंगे थे सैम करन। मोजीज ऑनरिक्स को जाने दिया, क्रिस मॉरिस कुड बी अ वेरी गुड चॉइस, तो आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। स्पिनर के अंदर अब काम चलाना पड़ेगा भैया, वहां ज्यादा स्पिन नहीं होती, लेकिन हो सकता है पीयूष चावला के बारे में इंटरेस्टेड हो क्योंकि भाई पंजाब से खेले थे और बहुत अच्छा किया था, तो ये तो हुई आईपीएल की कहानी। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मयंक अग्रवाल की हैशटैग द इनसाइडर में, और उसके बाद फिर पूछेंगे संजय से क्या है बात जो बनाती है इस खिलाड़ी को खास। मयंक को वैसे तो अभी तक मिले हैं पूरे अंक, लेकिन अगर आप उनको ब्रेक डाउन करना चाहें, उनको नहीं उनकी टेक्निक को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहें, तो वो क्या ऐसे पहलू हैं जो निकल कर आए हैं, क्या ये हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये लंबी रेस के घोड़े हैं या नहीं है। मैं कहूंगा कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको खास बनाती हैं। देखिए शुरुआत में बतौर ओपनर आपका एक माइंडसेट रहना चाहिए कि एक अच्छी गेंद आएगी वो आपको आउट कर सकती है, बहुत सारी अच्छी गेंदें आएंगी जिसको आप खेलेंगे और आप बीट हो जाएंगे, सामने से गेंद निकल जाएगी, लेकिन उस गेंद को भूलना और अगली गेंद पे फोकस करना ये मयंक अग्रवाल करना जानते हैं। शुरुआत में हमने उनकी पारियां देखी हैं और पारियों में क्या होता है, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होता है, प्ले एंड मिस, लेकिन अच्छी बात क्या कि बैट वहां नहीं फेंकते, वो गेंद की तरफ नहीं जाते, फिर खेलते हुए जब एज लग जाए तो बुरा तो जरूर लगता है, बट देन डोंट फील टू बैड क्योंकि आपने गलती नहीं किया, टेक्निक आपकी सही है, तो ये काम मयंक अग्रवाल अच्छे से करते हैं। और उसके बाद क्या बात है, वो ये है कि आगे वाली जो गेंदे हैं ना, जो फ्रंट फुट पे जो गेंदे हैं, इनके लिए तैयार रहते हैं और इसके कारण है तैयार रहना चाहिए बतौर ओपनर या बतौर मतलब बैट्समैन, आप टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हो, कौन सी गेंद है जो आपको ज्यादा आउट करने वाली है, जो आगे गेंद डलेगी वो स्टंप्स पे जाके लग सकती है, आप बोल्ड हो सकते हैं, पैड पे लगी लेग बिफोर हो सकते हैं, आप कॉट बिहाइंड भी बैकफुट से नहीं अमूमन आप फ्रंट फुट से होते हैं, तो ये जो आगे वाली गेंदे हैं अगर इनके लिए आप तैयार रहते हैं तो इसका मतलब आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है और इस खिलाड़ी का वो सही है, क्योंकि जो उसके बाद ये ड्राइव बड़े अच्छे लगाते हैं और ड्राइव लगाते हुए अगर वो गेंद की पिच तक ना भी पहुंचे, और ये होगा अगर आप रबाडा के साथ खेल रहे हैं या फिर मुस्तफिजुर रहमान आपको गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गति के पैट कमिंस डाल रहे हैं, तो ऐसा होगा कि गेंद हाफ बॉल ये नहीं होगी, थोड़ी सी दूर की होगी, तो अब आपने ऑन द राइज लगाया शॉट, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शरीर का वजन है वो आगे ही जाए, पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि पीछे गया ना तो गेंद जाएगी गली में, आप हो जाएंगे आउट। मयंक के साथ ऐसा नहीं होता है, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं। बिफोर वी कम बैक टू हिज इश्यूज, देयर आर जस्ट वन इशू, एक्चुअली देयर इज ओनली वन इशू, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और स्पिन को कैसे खेलते हैं, स्टेप आउट करते हैं और विद द स्पिन शॉट बहुत अच्छे लगाते हैं, फिर चाहे वो स्टेप आउट करके इनसाइड आउट शॉट लगाएं या फिर ऑफ स्पिनर डाल रहा हो तो अक्रॉस स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाएं, या फिर खड़े खड़े भी हमने शॉट लगाते देखा, हमने इनको रिवर्स स्वीप भी मारते देखा, हमने इनको स्वीप मारते भी देखा, तो रेंज ऑफ शॉट्स अगेंस्ट स्पिन इनक्रेडिबल है इनके पास। एक चीज है जो ठीक करनी पड़ेगी, जो न्यूजीलैंड में हो सकता है कि ट्रेंट बोल्ट इनको तंग करे, हो सकता है मैट हेनरी इनको तंग करे, और वो चीज क्या है, बैकफुट प्ले, क्योंकि बैकफुट पे आप क्या करते हैं कि बतौर ओपनर बाउंसर्स आपको लगाई जाएंगी, उछाल ज्यादा रहता है, नई गेंद रहती है, बोलर्स फ्रेश रहते हैं, तो बैक एंड अक्रॉस जाके खेलना जरूरी है कि आप बॉल के पीछे आए, बैक एंड अक्रॉस जाए, फिर यहां पर खेलें, फिर गेंद की लाइन से निकलें। इनका ना पीछे वाला पांव वो अक्रॉस जाता नहीं है हर बार, कभी कभी जाता है, बट जब नहीं जाता है तो एक तो ये हवा में रहता है, दूसरा या फिर ये पीछे की तरफ जाता है, और जब ऐसा रह जाए तो फिर यू प्ले बिसाइड द बॉल एंड नॉट बिहाइंड द बॉल। ये एक चीज है जो इनको संभालनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल की आग है दोस्त, क्या होगा कि अगर आप बाउंसर पे कभी फंस गए ना तो फिर सभी गेंदबाजों को पता चल जाता है, बाउंसर वो लगाने शुरू कर देंगे। एक चीज से अगर मयंक बच जाते हैं मेरे विचार में बहुत रन बनाएगा ये खिलाड़ी। संजय हमने देखा ये मयंक अग्रवाल का ये ड्राइविंग अच्छी है, इनका हेड पोजीशन अच्छा है, छोड़ते अच्छा, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। आपने इनके साथ ड्रेसिंग रूम में बहुत समय बिताया, ये जब आए उनका डेब्यू मेलबर्न में हुआ, इनके माइंडसेट के बारे में कुछ बताएं कि ये कैसे खिलाड़ी बाकी सबसे अलग है। फिटनेस उनका बेहतरीन है, एक और चीज वो करते हैं जो आजकल लंबी रनिंग मतलब हर 15-20 दिन में वो लंबी रनिंग करना पसंद करते हैं। मैंने उनसे जरूर पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, कहते हैं कि वहां पर मैं अपने बॉडी को पुश करता हूं, कहीं ना कहीं उससे मेरी मेंटल टफनेस अच्छी हो जाती है और एक मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहता हूं।
तो इन बातों की वजह से जो वो खिलाड़ी को सक्सेस मिला है, ऊपर नीचे काफी उतार चढ़ाव और ढलाने देखी है और उनमें से उभर कर ये खिलाड़ी आया है, वो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खोज है। अब वो कहते हैं चाइना के पास है द ग्रेट वॉल, हमारे पास है मयंक अग्रवाल। खैर, दैट वाज ब्रिलियंट। और अभी ना वो हमारी एक एमएमए होता है और जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स है, उसमें रितु फोगाट ने कमाल कर दिया है। क्या बात, तालियों के लिए साथ उनका स्वागत किया जाए। आप देखिए स्पोर्ट्स रैप। फॉर्मर स्टार रेसलर रितु फोगाट ने एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप बीजिंग में एक बड़ी सफलता हासिल की जब उन्होंने कोरिया की नाम ही किम को हरा दिया। गौर करने वाली बात ये होगी कि रितु फोगाट का ये एमएमए में डेब्यू बाउट था। ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियंस जैसे एमसी मैरी कॉम, सोनिया लादा, अमित मांगल और अमित कुमार भाग लेंगे देश के पहले बॉक्सिंग लीग द इंडियन बॉक्सिंग लीग में। ये शुरू हो रहा है 2 दिसंबर को और इसमें होंगी 6 फ्रेंचाइजी बेस्ड टीम्स जो क्लैश करेंगी इंडिया की 3 बड़ी सिटीज में। थम्स अप फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच संजय। तो मतलब ब्रिलियंट, बहुत मजा आया। और आप लोगों को कितना मजा आया ये बताइएगा जरा। हाँ, ये सोचा अभी खत्म हो गया, अभी हम कल की भी तो आपको बताने वाले कहानी, एक छोटा सा बच्चे खेलते हुए भी देखेंगे, वो तो देख ही लेना। कल क्या आने वाला है, कल सुनील गावस्कर साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी स्टोरी आ रही है। और क्या आने वाला है, कल आएगा चेन्नई सुपर किंग्स और साथ में रहेगी दिल्ली कैपिटल्स, तो उसकी भी बात करेंगे कल की आकाशवाणी। आगे की तरफ लगाई है डाई संपूर्ण समर्पण। वाह, ये बता रहा है इनके करियर का दर्पण दूर जाएगी ये लड़की। बहुत बढ़िया,